नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है। आपको बताते चलें कि 13 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। 18 फरवरी को योगी सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी, जिसके लिए लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हम जनता के बीच पहुंचे और उनसे जाना कि इस बार के बजट से, योगी सरकार के चौथे बजट से, उनको कितनी उम्मीदें हैं। आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है परसों, तो क्या उम्मीदें हैं आपको, इस बार क्या खास होगा और नगर निगम के लिए कितना बजट आना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सुधारने की ज़रूरत है? नगर निगम में सबसे ज़्यादा तो सीवर सफाई और ड्रेनेज सुधारने की ज़रूरत है। और एक अभी एक प्राइवेट कंपनी यहाँ लगाई गई है सीवर सफाई में, सुवेज इंडिया लिमिटेड करके बोलते हैं, हरियाणा की कोई कंपनी है, लेकिन उस कंपनी ने पूरे सफाई व्यवस्था का ड्रेनेज और सीवरेज की कबाड़ा करके धर दिया। तो बजट में तो हमें नहीं लगता है कोई कमी है, व्यवस्था में गड़बड़ी है। जो व्यवस्था पहले से है उसको फेल करके, चीज़ों को प्राइवेटाइज करके व्यवस्था को ख़राब किया जा रहा है। बाकी केवल नगर निगम में, बाकी और शिक्षा व्यवस्था बड़ी चौपट है यहाँ। स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं, पॉलिटेक्निक का हमने सुना है, यूपी पॉलिटेक्निक 33 की संख्या में इकट्ठे बंद कर दिए गए। ये बेहतरीन स्कूल थे, डिप्लोमा की पढ़ाई होती थी, उनको सब प्राइवेट हाथों में दे दिया गया। और शिक्षा में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं, और अपने सरकारी जो हॉस्पिटल हैं, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज PGI के ही डॉक्टर जाके उसमें इलाज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सरकारी जो व्यवस्था बनी बनाई है उसको फेल कर रहे हैं और प्राइवेट को प्रमोट कर रहे हैं। इससे लोगों को सुविधाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की लेने में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात करें तो बसेस में कितनी सुरक्षित है महिला, आपको क्या लगता है? महिला तो उत्तर प्रदेश में कहीं सुरक्षित नहीं है, और बस में कौन सी व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है, बस में कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली में हमने सुना है कि हर बस में एक मार्शल लगाया गया है, यहाँ भी लगाया जा सकता है। होमगार्ड्स को तो ये नौकरी से निकाले दे रहे थे, मार्शल की व्यवस्था नहीं है तो होमगार्ड्स को ही लगा दें। हर बस में एक होमगार्ड भी अगर रहे तो महिला सुरक्षा निश्चित रूप से बढ़ेगी। सुना हमने निर्भया फंड जो था वो भी खर्च नहीं किया यूपी सरकार ने, तो जो फंड पहले से अलाटेड है उसको महिला सुरक्षा में खर्च करेंगे। अब तक जो योजनाएं हैं वो ज़्यादा कारगर तो सिद्ध नहीं हुई, खासकर जो बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में फैली हुई है, और सेवा प्रदाता एजेंसियों को उन्होंने काम दिया है वो पुराने लोगों को हटा रही हैं, नए लोगों को भर्ती कर रही हैं, तो इससे तो और बेरोजगारी फैलेगी। तो खासकर इसको जो है सरकार को फिर से वही व्यवस्था बहाल करनी पड़ेगी कि जो अभी तक सरकारी नौकरियां जिस तरीके से लोगों को मिलती थी, ये सेवा प्रदाता एजेंसियां ख़त्म करनी चाहिए। ये युवाओं के लिए सबसे पहले बजट की खेल, रोजगार और युवाओं के जो मनोरंजन होते हैं उन पर ध्यान दिया जाए। देखिए युवाओं, जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा युवा देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। शिक्षा ज़रूरी है जो युवाओं के लिए, जो शिक्षाओं में जो आजकल अंधाधुंध धांधली चल रहे हैं, जहां तहां शिक्षा ब्लैक मनी हो गया है, ब्लैक मनी कर रहे हैं, उसमें माफिया घुस गए हैं, उस पर कंट्रोल होनी चाहिए। और युवाओं पर खेल पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि उनका जो फिजिकल उनका स्ट्रेंथ बना रहे हमेशा के लिए। शिक्षा सभी के लिए एक समान होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, जितने भी स्कूल है उसमें कोई धांधली, कोई माफियाबाजी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी के लिए, गरीब अमीर सभी के लिए शिक्षा एक जैसा होना चाहिए, सभी बच्चों को एक जैसा मौका देना चाहिए। और शिक्षा में सरकार को जहाँ तक छूट हो शिक्षा में छूट करनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए ताकि सभी अपने अवसर खुद तलाश सके। और एक मेरा और ये है कि एक तो प्राइवेट नौकरी वाले शिक्षा में 8-10 हज़ार रुपये सैलरी लेके अच्छे से पढ़ाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 6-7 घंटे मेहनत करते हैं। और एक जो मास्टर सरकारी नौकरी वो 80 हज़ार रुपये लेने के बावजूद भी ईमानदारी से नहीं बच्चे को पढ़ाते हैं, अपना पान खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, गप लड़ाते रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, 4 बजे निकल जाते हैं। इस चीज़ पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, या तो सरकारी स्कूल को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए, पूरा निजीकरण कर देना चाहिए, या तो सारा सरकारी हो जाना चाहिए। रोज़गार के क्षेत्र में तरक्की होनी चाहिए, सरकार बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है। और ज़्यादातर होता ये है
सरकार कई योजना बनाती है और वो हम लोगों तक पहुंचती नहीं है। हमको तो नहीं लगता 100% शो है ये बातें। जैसे सरकार दावे करती है तो उस चीज़ का दावा बिल्कुल कहीं से दिखावा नहीं पड़ता है। लेडीज़ लोग को सबसे ज़्यादा ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आती है। कई ऐसे बदतमीज स्टूडेंट होते हैं, जैसे आम लड़की होती है वो नहीं बात करना चाहती, उसका पीछा किया जाता, उसका नंबर लिया जाता। क्यों? आई थिंक मैं ये कहती हूँ कि सब तुम्हारे घर में भी कोई माँ बहन होगी या बेटी होगी, उसको देख के चलो, तुम ऐसा क्यों करते हो? और दूसरी बात है, यहाँ पे फुटेज कैमरा बोले गए हैं, यहाँ तो लेडीज़ लोग के ऐसी ही नहीं सुरक्षा की जाती है। आम पार्टी ही हम लोग का फ़ायदा उठाती है तो आम पार्टी से हम लोग क्या मतलब रखेंगे बताइए? हम लोग अपनी सेफ्टी रखते हैं लेकिन उसमें हम लोग के ऊपर ऑप्शन उठाया जाता है क्योंकि आप ही लोग गलत हैं इसमें। जहाँ तक कि लड़के लोग भी गलत होते हैं, ठीक है, लड़की हमेशा गलत नहीं होती है, तो इस चीज़ को सोचना चाहिए कि सरकार इस चीज़ में कोई सुधार नहीं लाई है। और हमको कुछ लगता भी नहीं है कि उम्मीद हो कि ये सरकार कैमरे का उपलब्धि करेगी या सरकार बजट के बारे में सोचेगी। लेडीज़ लोग को कहाँ से अपनी पॉकेट से एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ड्राइवर से, टिकट वाले से हमको लड़ना पड़ता है कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ नहीं है, कम है, तो वो हम लोग को कह देता आप उतर जाइए, वहीं एक दोस्त की बात आएगी, एक फ्रेंड की बात आएगी तो वो उसको बिठा लेगा। ये कौन सी बात हुई? मतलब एक लेडीज़ भी तो एक फ्रेंड के तौर पे गिनी गई है ना, तो उसको भी सोचना चाहिए कि एक हमारी बहन है। पहली बात तो बसों की मेंटेनेंस होनी चाहिए, बसों की कंडीशन ज़्यादातर ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। और दूसरी बात, समय से गाड़ियाँ चलती हैं, जब ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है कुछ भी है तो माँ धक्का मुक्की चलती है। पहली बात तो इसकी कंडीशन ठीक करानी चाहिए, एक ऐसे स्विच लगाने चाहिए कि हम अगर यहाँ से बेल उसको दें तो वो हमारी प्रॉब्लम तो सुने। अब भीड़ भाड़ में हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अभी तो चलो सही है माहौल, कभी कभी इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है जो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तो योगी सरकार के चौथे बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार का चौथा बजट आम जनता के लिए कितना फायदेमंद होता है। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।